फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे। तो ये बारिश के मौसम जो है काफ़ी तंग करता है, कहीं पे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और बाहर खाना तो और भी मुश्किल है ये कोविड के टाइम के लिए। काफ़ी टाइम से हम लोग भी बाहर खाना बंद किए हैं कोविड की वजह से। तो बारिश का मौसम है तो कुछ चटपटा तो बनता ही है, तो चलिए कुछ बनाते हैं चटपटा। जैसे कि समोसा हो जाए, मुझे तो समोसा बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। तो आप लोगों को कैसा लगता है समोसा, कमेंट्स में बताइए किस किस को समोसा पसंद है। तो चलिए समोसा का रेसिपी मैं आपको भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी जाइए समोसा बनाइए। पहले समोसा का मसाला बना लेते हैं। और मसाला के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया। तेल यहाँ पे गरम हो गया है, इसमें मैंने जीरा भी दे दिया, जीरा और उसके साथ बादाम भी दे दूंगी। बादाम अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसमें मैं जो कटा हुआ आलू है उसको अभी दे देती हूँ। और अभी इस पे थोड़ा सा नमक और हल्दी दे दूँगी और उसे थोड़ा अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे मसाला आधा बन के हो गया है, तो अभी मैं इसमें जो छोटा छोटे नारियल कटा हुआ के है तो उसको अभी दे दूँगी। मैंने यहाँ पे जीरा और सूखी मिर्च को ग्राइंड करके रखा था तो वो मसाला इसमें दे दिया। तो ये मसाला अभी बन के रेडी हो गया है, इसको साइड करके रख देते हैं, फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, मैदा में कलौंजी, अजवाइन, नमक और रिफाइंड ऑयल एक साथ में लेके मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैदे को अच्छे से मसलना पड़ेगा हाथ में ऐसे करके, क्योंकि जो तेल हम डाले थे मैदे में
उसे अच्छे से मैदे में मिलना होगा, नहीं तो समोसा अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो अगर हाथ में उसे मुट्ठी सा बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो पता चलेगा हमारा मैदा अभी बन के रेडी हो गया है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसे डो बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए डो बन के रेडी हो गया है, कितने अच्छे से डो बना हुआ है। और ये डो को अभी हम ऊपर से थोड़ा सा तेल दे के 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम समोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। एक रोटी जैसे मैंने बना लिया, उसको दो टुकड़े में ऐसे छुरी में काट लिया, उसको फिर जो स्टफिंग है मसाला का उसको दे देंगे। फिर जो शेप है समोसा का उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ समोसा रेडी कर लिया है स्टफिंग दे के, फिर एक साथ में उसे तेल में फ्राई करेंगे। और अभी मैं यहाँ पे तेल में एक एक समोसा देना स्टार्ट कर रही हूँ। और याद रखिए, जब भी आप समोसा बना रहे हैं तेल को हमेशा ठंडा होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं। और उसमें एक एक समोसा आराम से दे दीजिए। फिर उसके बाद गैस के फ्लेम को हाई कीजिए। समोसा अभी तेल में कुछ टाइम देने के बाद हल्का ब्राउन कलर जैसा हो गया है। अभी ये पूरा हो गया है तो इसको आहिस्ते से इसको तेल में इधर उधर करना पड़ेगा, नहीं तो चारों तरफ अच्छे से होगा नहीं। तो थोड़ी देर में इसको निकाल देंगे।
और मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर पे सर्व किया है समोसा। बारिश के मौसम में बाहर जैसे हम लोग खाते हैं, आप कहेंगे कि न्यूज़पेपर सेफ नहीं है, बट सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए न्यूज़पेपर पे सर्व की हूँ। वैसे तो थोड़ा टेम्पटिंग लगता है कि बाहर का जो टेस्ट है, दुकान वाला टेस्ट और लुक भी थोड़ा आना चाहिए। तो बस बारिश में बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए।